हेलो दोस्तों, तो पेस्ट्री दीदी संदेश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बहुत टेम्पर करने वाली रेसिपी लेकर आई है हम। मसूर की दाल होती है एक बाउल और ऐसे जैसे हमने दो तीन बार धुल लिया है और चार पाँच घंटे के लिए फूल में रख दिया था। तो अच्छे से हमारी मसूर की दाल फूल गई है और ये हमने डालना ले लिया है। इसमें हम दाल डाल देते हैं, इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो इस तरह से आप एक बार जरूर बना कर देखें। आप योग आप लोगों को पसंद आए। इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है, तीन चार अदरक का डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने पेस्ट अच्छे से फिट गया, ये देखिए फाइन हो गया, पतला ही है। और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, ये मसूर की दाल का पेस्ट। और ये हम इसमें बाउल में निकाल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और ये हमने मिक्स कर लिया है नमक और अच्छे से। और हमने एक कढ़ाई रख दी है गर्म, इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा मसाले के लिए प्याज, टमाटर ले लिए हैं।